थाना सदर पर मौजूद ये हैं बबलू कुमार। बबलू कुमार फौजी हैं। बबलू कुमार मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं और आगरा में पैरा रेजिमेंट में तैनात हैं। बबलू को बैंक खातों से नकदी उड़ाने वालों ने चूना लगा दिया। फौजी बबलू का कहना है कि उसने गूगल के माध्यम से अपने परिवार को 5,000 रुपए भेजने का प्रयास किया था। संदेश फेल्ड आया लेकिन नकदी कट गई। इस पर उसने गूगल सर्विस सेंटर से जानकारी हासिल की। गूगल सर्विस सेंटर ने यूपीआई नंबर मांगा। यूपीआई नंबर देने से मना किया लेकिन तमाम तरह के दबाव बनाने के चलते यूपीआई नंबर दे दिया। देखते ही देखते कुछ ही देर में 95,000 रुपए की नकदी साफ हो गई। हमारे साथ हुआ क्या, मैं गूगल पे से घर पे पैसा ट्रांसफ़र कर रहा था घर के अकाउंट पे, तो जब मैं ट्रांसफ़र किया तो हुआ क्या कि हमारा पैसा ट्रांजेक्शन नहीं हुआ और कि अकाउंट से मैसेज आया कि पैसे 5,000 ट्रांजेक्शन हो गया, वो मैसेज आया। फिर मैंने उसको मतलब SBI कस्टमर केयर से बात की। जब SBI कस्टमर केयर से बात किया तो उन्होंने बोला कि आप थर्ड पर्सन से आप मतलब वो ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उन्हीं के पास आप कस्टमर केयर से उन्हीं से बात कीजिए। फिर मैंने कुछ सोचा समझा, फिर मैंने लगा कि चलो शायद ये तो कस्टमर केयर ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, ऐसे करेंगे तो हम इन पर कंप्लेन कर सकते हैं। फिर उन्हें UPI नंबर मैंने बताया और बताते ही कुछ मतलब देर के बाद ही हमारा अकाउंट से डेबिट होना चालू हो गया। हमारा 95,000 अभी टोटल कट चुके हैं। फौजी बबलू कुमार देश सेवा के लिए सेना में आया लेकिन छात्रों ने फौजी को भी नहीं बख्शा। फौजी बबलू कुमार ने थाना सदर में शिकायत दर्ज कराई है। देखना होगा कि पुलिस कब तक बबलू को न्याय दिलाती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। अपराधी भी तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। साइबर क्राइम की वारदातें भी बढ़ती जा रही हैं। साइबर अपराधी तमाम तरीकों से बैंक खातों से नकदी साफ करने में लगे हैं। साइबर अपराधी फौजियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। एक फौजी के खाते से लगभग 1,00,000 रुपए की नकदी साफ कर दी। नकदी साफ होने से फौजी बेहद परेशान है, समझ नहीं पा रहा है आखिर अपने परिवार के पास किस तरीके से और कहां से लाकर पैसे भेजे, क्योंकि तमाम सारी ज़रूरतें परिवार के लोगों को है। देखना होगा कि कब तक इस साइबर अपराधी का पता लग पाता है। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।